हम ले लेंगे आइसिंग किया हुआ केक, इसके अंदर न्यूट्रल जेल प्लस वाटर प्लस येलो फूड कलर ऐड किया था, इसको इसके ऊपर में इवनली स्प्रेड कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये जो छोटा सा बबल बबल जैसा दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल जेल का ही है। मुझको ऐसा ही इफेक्ट चाहिए था, इसलिए कुछ नया करके देखना था, इसीलिए ऐसा ही रखा है। आप चाहे तो अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं, अच्छी तरीके से भी मिक्स होता है। देख सकते हैं आप लोग, इसको स्प्रेड कर लिया है मैंने स्पून से, आप चाहे तो पैलेट नाइफ की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए अभी येलो ड्रॉपिंग दे रही हूँ मैं इसी से, न्यूट्रल जेल से ही। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, इसलिए मुझे लगा कि इस तरीके की डिज़ाइन बनानी चाहिए। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, एज यूजल आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जब ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया है, पर मैं ड्रॉपिंग दे रही हूँ और एक्स्ट्रा की, तो इसका जो स्पॉन्ज है, जो आइसिंग है, उसकी रेसिपी भी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। अभी इसको है ना, मैंने न्यूट्रल जेल में चॉकलेट कलर यूज़ किया था, ब्लैकिश कलर था, और देखिए इस तरीके से छींटे मार रही हूँ इसके अंदर, हमारे फिंगर से ये हो जाता है। देख सकते कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है, आप चाहे तो ऐसे ही केक दे सकते हैं। तो मैंने है ना वाइट क्रीम ली है, 2D नंबर का नोजल है, इससे फ्लावर बनाए हैं। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे रोजेस दिख रहे हैं, और ये जो इफेक्ट था ना स्प्रेड वाला, वो बहुत बेहतरीन था। तो देखिए अभी मैं बॉर्डर बना लेती हूँ। ये क्विक केक है, मतलब जल्दी जल्दी जो बनाना होता है ना उसके लिए काफ़ी अच्छा है, और एकदम न्यू लुक आता है, न्यू दिखता है, ऐसा लगता नहीं कि टाइम बहुत कम लगा है। तो देख सकते हैं आप लोग, कम टाइम में भी आप अगर ऑर्डर है अर्जेंट तो ऐसा बना सकते हो। चॉकलेट गार्निशिंग तो बना ही रहती है, वाइट एंड चॉकलेट कलर के, इससे मैंने मिक्स वाली बनाई थी, 3 रखती है चॉकलेट गार्निशिंग। थोड़े से स्प्रिंकल से ये सिल्वर कलर के 1 नंबर वाले, इसे भी मैं ऐड कर लेती हूँ फ्लावर के ऊपर, और थोड़ा सा सेंटर में भी। देख सकते कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस केक तो हमारा रेडी है, इजी सिंपल। आप लोग जरूर बताइएगा कि केक आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख सकते हैं भारती नाम का जो है ना मैंने लिख दिया था चॉकलेट से, कितना अच्छा दिख रहा है ना। थैंक यू।